चलो गाइस क्वेश्चन नंबर फाइव एक बार कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। ये देखो, एन पी आर इज इक्वल टू 720 टाइम्स एन सी आर। फाइन, क्या किया आप लोगों ने वैसे? पूरा सॉल्व किया है और किसी ने कुछ और किया है? सॉल्व क्वेश्चन फाइव, सेवन ट्वेंटी कल करवा देते। चलो नहीं करवाया, जो भी था चलो एक बार देख लेते हैं। देखो, एन पी आर द एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। करेक्ट, टक 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 कटा। आर फैक्टोरियल इक्वल टू 720, किसका फैक्टोरियल 720 होता है? 6 का होता है, तो आर की वैल्यू 6 हो गई है मेरी। ये फुद्दू क्वेश्चन था। अब मैं कुछ बच्चे बोले कि एग्जाम्पल नंबर फाइव उनको नहीं आया है, मेरे को कोई क्वेश्चन डिक्टेट कर पाएगा प्लीज? प्रूव दैट एन सी आर अपॉन इज इक्वल टू, हाँ ये देखो, मैं एल एच एस को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एन सी आर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन अगर है तो ये सब चीज़ें पलटेगी मेरी, राइट। ये जो है आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ये तो फुद्दू क्वेश्चन था भाई, ये तो आना चाहिए था। ये और ये कट गया मेरा, ठीक है। अब देखो, इसको और इसको वो करने के लिए जो बड़ा है उसको मैं ये कर रहा हूँ, तो ये आर फैक्टोरियल को मैंने आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिखा है। इसमें और इसमें जो बड़ा है उसको ओपन कर रहा हूँ मैं, तो देखो पहले तो ये आर माइनस वन फैक्टोरियल जैसा था वो वैसा का वैसा ही लिखा है मैंने। देखा, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये कटा, ये कटा, ये आना चाहिए था भाई लोग। तो बोला था करके रखना अटेम्प्ट, कल बोला था ना। चलो गाइस, ये ला फट से करो आप लोग, आज चैप्टर को रैप अप करेंगे अपन लोग। वैसे कल बीवीएम की भी छुट्टी है, सीपीएस की भी छुट्टी है, ठीक है। कल बेटा हो सकता है 1.5 आवर की क्लास हो, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं रहेगा, बट ये वाले टाइम पे नहीं रहेगा, इट विल बी अराउंड बाय 11 ish, ठीक है। चलो करो यार फट से बेटा क्वेश्चन को। पौने 11 सौ ऐसा क्यों? यानी जैसा तो क्यों क्यों? चुप रहे, चल करा बैठा बैठा। विसर्जन भी रहेगा, अच्छी बात है। एक पेन मिलेगा प्लीज? तुम्हारा 1 ही घंटे का रहेगा कल, 11 to 12, 11 to 12 1 ही घंटे का रहेगा। अच्छा, कल क्या बच्चा?
नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन लोग। नंबर वो सबसे पहला वाला बाइनरी वगैरह जो है जिसमें हो गया गाइस ये। मेरा वाला दिखाओ उनका दिखाओ। अच्छा एन माइनस आर प्लस वन बड़ा है। चलिए गाइस अब आगे देख सकते हैं क्या। अब देखो आप लोगों को याद है क्या, हम लोग ये चीज़ करते हैं डिसाइड कि अगर मान लो 15 लोगों को मैंने डिसाइड किया है क्रिकेट टीम के लिए, उसमें से 11 लोग सिलेक्ट करने थे और बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना था, मतलब सीक्वेंस वॉज इम्पॉर्टेंट जब, तो ये एन पी आर करते थे अपन लोग, यानी 15 P 11 हो जाता। अब ये मुझे बैटिंग ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे टीम बनानी है, मतलब मुझे सीक्वेंस जिसमें वो आ रहा है उससे कोई मतलब अगर नहीं है तो उसमें क्या हो जाता है बेटा 15 C 11 आते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस अगर इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन होता है, सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो वो कॉम्बिनेशन हो जाता है। तब ये देखो गाइस क्वेश्चन, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स कोई भी 3 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है फॉर कोई कॉम्पिटिशन। तो क्रिश पहले सिलेक्ट हुआ, सेडानी बाद में सिलेक्ट हुआ और स्पर्श आखिरी में सिलेक्ट हुआ, उसमें और कहते सेडानी पहले हुआ, क्रिश बाद में और स्पर्श आखिरी में, से कोई डिफरेंस नहीं। तुमको 3 लोगों की टीम बनानी है, ख़त्म। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो 36C3 हो जाएगा। फुद्दू है ये चीज़ पक्का। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो अ पॉलीगॉन हैज़ 44 डायगनल्स तुमको बता दिया गया है, बताओ उसमें कितने साइड्स है। वैसे अगर आपको 8 का याद हो तो फॉर्मूला रहता है n(n-3/2), बट वो यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ डायगनल्स का वो याद नहीं छोड़ूंगा होपफुली आप लोगों को। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मेरे 5 साइडेड फिगर है कोई, फाइन, मुझे इसमें डायगनल्स अगर बनाने हैं बेसिकली, तो मुझे कोई भी 2 साइड चूज, कोई भी 2 वर्टेक्स चूज़ करने पड़ जाएंगे। मतलब मैं ये और ये चूज़ कर लूँ या ये और ये चूज़ कर लूँ हो जाएगा, पर उसके हिसाब से मैं ये और ये भी मेरा डायगनल बुलाया जा रहा है और ये और ये भी डायगनल बुलाया जा रहा है, तो ये डायगनल्स नहीं है। तो बेसिकली आप कोई भी 2 चूज़ करोगे अगर, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो रहे बता रहा हूँ आपको। ये एक संख्या, ये इतने हो रहा है, हाँ स्टार ठीक है पगले। अब आप लोगों को अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ डायगनल्स, तो देखो इट विल बी ये जितने भी NC2 है वो माइनस नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे। देखो ना, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं। वैसे एक और देखो, तो मान लो तुम्हारा 6 साइड फिगर है, 1 2 3 4 5 6, तुम कोई भी 2 सिलेक्ट अगर कर रहे हो, NC2 करते हो यहाँ पे, तो क्या क्या हो रहा है सिचुएशन में वो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये हो रहा है यूनिवर्स, हाँ ठीक है अगले, हाँ ठीक है। तो देखो ये नंबर ऑफ डायगनल NC2 से आप लोगों का बेसिकली यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ डायगनल्स प्लस नंबर ऑफ साइड्स हो जा रहा था। ठीक है, तो देखो अब मुझे नंबर ऑफ डायगनल्स चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा, तो इट इज नंबर ऑफ डायगनल्स का। समझा जी क्या हुआ है, एक बार अपन लोग वापस है 5 वाले से देखते हैं, 1 2 3 4 5। NC2 का मतलब क्या है, कोई भी 2 को सिलेक्ट करना। ठीक है,
तो देखो वैसे एन सी टू की वैल्यू मतलब कोई भी दो को सिलेक्ट करना, इट डज़ नॉट मैटर, यानी अगर ये ए बी सी डी ई है तो ए बी एंड बी ए आर गोइंग टू बी वन एंड द सेम, दिस नॉट परम्यूटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तब देखो कोई भी दो को सिलेक्ट करने का मतलब क्या क्या हो जा रहा है बच्चा लोग, ए बी ए सी ए डी ए ई, बी सी बी डी बी ई, सी डी सी ई एंड डी ई, ये सब हो जा रहे हैं, फेयर इनफ। तो ये आपका एन सी टू का मतलब क्या हो जा रहा है, सबकी सब हो जा रहे हैं, मतलब उसमें सब डायगनल्स भी आ जा रहे हैं, साथ ही साथ में आप लोगों के साइड्स भी आ जा रहे हैं। साइड्स डायगनल्स का मतलब क्या, कौन से हो रहे हैं बच्चों, देखो ये ए सी ए डी बी डी बी ई सी ई, सी ए तो हो चुका है, सी ए और ए सी सेम है, डी ए डी बी भी हो चुका है, सब हो चुका है, तो ये हो रहा है। और बच्चा लोग मेरे साइड्स का मतलब क्या क्या हो रहा है, ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए। अब ऑब्वियसली मुझे इसकी ज़रूरत तो थी नहीं, मुझे सिर्फ डायगनल्स चाहिए था, तो मैंने क्या किया है एन सी टू माइनस नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स होंगे जितने वर्टेक्स उतने साइड हो गए ना, चार वर्टेक्स है चार साइड होता है, दस वर्टेक्स तो दस साइड्स हो जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगनल्स हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, ठीक है। हाँ अब देखो अगर मैं आप लोगों से ये फॉर्मूला के हिसाब से पूछा कितना डायगनल्स हो रहा है, तो आप एन की जगह पर क्या डाल देते हैं, फाइव डालते हैं, तो फाइव सी टू माइनस फाइव, तो फाइव इंटू फोर अपॉन टू माइनस फाइव, वन ज़ा टू ज़ा टेन माइनस फाइव मतलब फाइव। ट्राइंगल में वैसे आप लोगों के साथ तो कितना डायगनल्स होते हैं, ट्राइंगल में ज़ीरो होते हैं, चलो देख लेते अपन लोग, थ्री सी टू माइनस थ्री हो जाएगा एन सी टू माइनस एन के हिसाब से, थ्री इंटू टू अपॉन टू माइनस थ्री, ज़ीरो हो रहा है। स्क्वायर में कितना डाइग, स्क्वायर नहीं बोला मैं, अदर मैंने क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगनल्स होते हैं, दो होते हैं, फोर सी टू माइनस फोर, तो फोर इंटू थ्री अपॉन टू माइनस फोर, वन ज़ा टू ज़ा सिक्स माइनस फोर टू, नहीं तो याद नहीं, ये फॉर्मूला याद मत रख पकड़े, तो दिखाना पड़ेगा कहाँ से आया वो, और तेरे को लॉजिक पता होना चाहिए ना, नहीं बताएगा नहीं, पर तुम क्यों एक फॉर्मूला याद कर रहे हो, आठवीं में थोड़ी हो, अब तुमको डिराइव करना जब आ जाता है कोई चीज़ तो तुम फॉर्मूला क्यों याद कर रहे हो इसमें, ठीक है। अब देखो गाइस, हाँ देखो एक लाइन बनाना है, वो डायगनल हो या साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तेरे को कोई भी दो पॉइंट चूज करना पड़ेगा, तेरे पास में अगर n पॉइंट्स है कोई भी दो पॉइंट चूज करना है तो एन सी टू हो गया वो, तो इससे तेरे नंबर ऑफ लाइंस बन जा रहे हैं, तो दो लाइंस बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ डायगनल्स एंड साइड्स। हाँ करेक्ट, समझा ये चीज़ क्या हुआ है, तो अब देखो उसने क्या बोला था बच्चा लोग अपने को कि देर आर 44 डायगनल्स, ठीक है, देखो एन सी टू माइनस एन इज इक्वल्स टू 44 हमें दिया गया था, तो उससे आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एन एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन माइनस एन इज इक्वल टू 44, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू एन इज इक्वल टू 88, वो एलसीएम एलसीएम सब लेके उधर कर दिया मैंने एक स्टेप के अंदर, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस 88 इज इक्वल टू 0, एन माइनस 11 एन प्लस 8 इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू 11 हो रही है, नेगेटिव 8 तो ऑब्वियसली होगी नहीं, ठीक है, तो ये 11 साइडेड फिगर है, समझा भाई लोग ये क्या हुआ है। नेक्स्ट बच्चा लोग ये था एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 भी बढ़िया क्वेश्चन है, पहले एक बार अपने मन में पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक m पैरेलल लाइंस की फैमिली है और मे बी ये कोई n पैरेलल लाइंस की फैमिली है, अब वो ये बोल रहा है बताओ कितने पैरेलोग्राम आप बना सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम लोगों का, सॉल्यूशन बिना देखे एक बार सोचो, क्वेश्चन बहुत प्यारा है क्योंकि ये देखो तुमको पैरेललोग्राम बनाना है बेसिकली,
इसमें तुमको ये जो अभी के लिए तीन दिख रही है ब्लू लाइन, इसमें तो कोई भी दो ब्लू लाइन चूज करनी पड़ेगी, और जो रेड दिख रही है तुमको पार लाइन, उसमें से कोई दो चूज करनी पड़ेगी। हिस्सा ख़त्म ना। तुमको ये एम लाइन थी, इसमें तो कोई भी दो चूज़ करनी है, इट डज़ नॉट मैटर ये फिर ये चूज़ करो या फिर ये फिर ये चूज करो, इट इज़ वन एंड द सेम। ये तो एम सी टू मल्टीप्लाइड बाय, हाँ एंड चाहिए ना मुझे, ठीक है ना, ये एन सी टू, समझ तुम लोगों को क्या हुआ ये चीज़। तो अगर पांच रेड लाइन थी और तीन ब्लू लाइन थी तो उसमें कितने पैरेललोग्राम बन जाएंगे मेरे, 5C2 इंटू 3C2, उससे जो भी आंसर आएगा। समझा गई थे क्या हुआ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन ना ये कैट वाट में ऐसा बना के देगा फिर जान पूछ के, और फिर बोलेगा नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बताओ। तो बच्चों को क्या लगता है पता है क्या? नाउ दे स्टार्ट काउंटिंग सर, ये देखो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सर नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, भावुक हो जाते बच्चे फिर, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस फिर तेईस चौबीस पच्चीस, और भी मैंने छोड़े ही है पक्के से, देखो ये छब्बीस सत्ताईस, हेट साला पकवास काम, ठीक है। उसे अब सिंपल सा कर जाएगा 5C2 इंटू 3C2, 5 इंटू 4 अपॉन 2, 3 इंटू 2 अपॉन 2, ठीक है 30 आंसर आ रहा है उससे। किस्सा खत्म। नहीं नहीं बच्चा देख, वो रेड वाली जो है वो दोनों में से इतने सारे लाइंस में से कोई भी दो लाइन देनी पड़ेगी देखो पैरेलल लाइंस, और फिर ब्लू में से भी देखो दो लेनी पड़ेगी इस कारण से बच्चा। yes, समझे जी क्या हुआ है? ये ऐसे सब क्वेश्चंस ना लोगों को लगता है अरे यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बट एक्चुअली में लगता नहीं है। तुमको पता है कैट वगैरह जो एग्जामिनेशन होती है ये सब एग्जामिनेशंस बहुत सिंपल होती है, दसवीं या फिर बारहवीं मार्क्स तक की रहती है, ठीक है। बारहवीं मार्क्स में तुमको ज़्यादा बोल रहा हूँ, दसवीं मार्क्स तक की आती है, बट स्टिल बच्चे लोग इसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। जो लोग टेंथ मार्क्स इलेवन ट्वेल्थ मार्क्स में बहुत अच्छे थे बट उन्होंने कैट के लिए प्रिपरेशन की ट्यूशन नहीं लगाई थी, बेटा वहाँ पे ना इट इज़ मोर ऑफ रेस अगेंस्ट टाइम। 100 मार्क के लिए 100 मिनट्स मिलते हैं तुमको, अब वो काउंट करने जाओगे तुम्हारा एक मिनट में काउंटिंग ही खत्म नहीं होगा। अच्छा लोग तुम लोगों को वहाँ पे ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन की भी कई ट्रिक्स सिखाई जाती है, मल्टीपल चीज़ों की सिखाई जाती है। तो मेजरली क्योंकि तुम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, बहुत ट्रेंड रहता है कि BBA BCOM वगैरह जो भी कर रहे हैं, अगर आप CA वगैरह नहीं कर रहे हो तो और बन नहीं रहे हो करने के बाद में, ठीक है, तो आप लोग MBA करते हो, ठीक है ना, मेजरली इसमें तो उसमें आप लोगों को एक अच्छा एग्ज़ाम देना तो एक अच्छी ट्यूशन लगाना। भाई बच्चे अपने ईगो पर ले लेते हैं, अबे यार तो मैथ सिंपल है मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ कैट का, मेरे को खुद को नहीं आता है। मेरे पास जब भी कोई कैट के लिए बच्चे लोग लेके आते हैं क्वेश्चंस तो मैं उन्हें क्वेश्चन और कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर मैं यही बोलता हूँ अगर मुझे आया तो ऑब्वियसली, फिर मैं उनको यही बोलता हूँ करके यार यू गो टू अ गुड ट्यूशन, दे विल टीच यू हाउ टू सॉल्व इट इन 10-15 सेकंड्स ऑल्सो। मेरे को दो ढाई तीन चार मिनट लग जाएंगे भाई क्वेश्चन को समझा के सॉल्व करने में, सॉल्व करने में वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए यू गेट एट नाइन्थ वाला अगेन ये बहुत ही कॉमन सा एक क्वेश्चन है, कैट वैट की अलग से होती है। अच्छा लोग देखो क्या दिया हुआ है, वहाँ पे खूब एक क्लासरूम में खूब सारे लोग हैं, सब लोगों को एक दूसरे का हैंडशेक करना है, पता नहीं क्यों ऐसी मस्ती अपनी अपनी। टोटल मिला के 66 हैंडशेक्स हुए हैं, ठीक है, सब वेराइटी ऑफ हैंडशेक्स हो गए, तो बताओ कितने लोग थे। तो हैंडशेक करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है? दो। टोटल अगर n थे तो n C2 की वैल्यू 66 हो गए, उसमें ऑब्वियसली मैंने स्पर्श से मिलाया और स्पर्श ने मेरे से मिलाया वो वन द सेम होता है, ठीक है ना। तो n माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू 66 इंस्पेक्शन से करने की कोशिश करते, चलो n इंटू n माइनस वन इक्वल टू 132 इलेवन ट्वेल्थ था, ठीक है ना, तो n की वैल्यू हो रही है 12, ख़त्म। समझा ये चीज़, होपफुली सही हो भाई, सही है, फेयर इनफ है। ये देखो इसने भी हीरो ने इंस्पेक्शन से किया हुआ है वाला, समझा क्या हुआ है गाइज। आई विल गिव यू 31 हुआ है, 40 तक का टाइम टू कंप्लीट दीज एग्जाम्पल्स। वैसे 40 तक का टाइम बहुत ज़्यादा बोल दिया है मैंने, 36 तक का टाइम, ये चार एग्जाम्पल्स जो है फटाफट फटाफट सॉल्व करो खुद से।
अरे बेटा उसके बाद एक्सरसाइज खत्म करें ना, होमवर्क नहीं रहेगा ना तेरे को फिर कुछ भी। कोई बात नहीं बेटा, तुम 8 बजे आ जाना, यहाँ बैठ जाना ठीक है, फिर 11 बजे क्लास करेंगे, यहाँ बैठ के नाश्ता वगैरह सब कर लेंगे। पागल वैसे गाइज, मैंने आप लोगों के ग्रुप में ना एक लिंक डाली है एलुमनाइज की, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से और जो सीनियर्स वगैरह जो हो ठीक है, तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसको ज्वाइन कर लेना। एंड उस पर फिर एक हफ्ते भर के बाद में जब मेजरली बच्चे हो जाएंगे ज्वाइन, तब एक मैसेज आ जाएगा, तो आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज रहती है, जैसे कि एक अभी क्वेरी बहुत ज़्यादा चल रही थी अभी 10th के कई बच्चों का, IB बोर्ड में लेने के क्या फ़ायदे या नुकसान है, तो उसमें कई बच्चे अपने IB बोर्ड वाले भी है, एक दो बच्चे अभी उसमें US पहुंच चुके हैं और 12th क्लियर करके IB बोर्ड करके जा चुके हैं, एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट भी लिया हुआ है उससे, तो रादर देन आस्किंग मी देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द स्टूडेंट्स। और ऐसा हो सकता है कि आपसे जूनियर वाले बच्चे वहाँ पे ये पूछे कि सर अप्लाइड मैथ्स कॉमर्स मैथ क्या अप्लाइड और ये मैथ्स का क्या डिफरेंस है, तो वो मे बी यू स्टिल डोंट नो इट वेरी वेल, बट ये सब चीज़ों का अच्छा खासा ही कहने आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। 8 9 जो अपने पास जो जो बचे पड़े हुए थे, और अभी जो 8 9 10th वाले जो रहेंगे उनके इसमें अपने ट्यूशन वाले बच्चे नहीं, वो रैंडम इसमें मुझे वो कचरा नहीं करना है उसके अंदर, और मुझे ही पता रहेगा ना कि क्रिश अगर आंसर दे रहा है तो जेन्यून आंसर दे रहा है, ऋतिक रोशन दे रहा है तो मेरे को पता नहीं ना भाई वो क्या दे रहा है आंसर में, इसलिए मैं कोशिश करके जो अपने ही स्टूडेंट जो है या थे वो भले ही अब 1 साल के लिए हो या जो भी हो, जो ऑनलाइन है बेटा मैं उनके लिए न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिज्वाइन करेंगे आप लोग।
हाँ बोल बेटा। तो पिछली एक्सरसाइज में वो एक सम छोड़ा था जो आपको हाँ वो भी, हाँ मैंने वो भी कॉम्बिनेशन वाला वो भी कर लेगा अपनों, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ये हो गया गाइस, आई एम होपिंग जिनका हो गया है वो एक्सरसाइज से करना शुरू कर लोगे 6 से लेकर 10 तक के, फटाफट हो जाएगा बच्चा लोग, इसमें तो इतना इशू नहीं आएगा। अगेन गिविंग यू 12 मिनट्स, ठीक है ना, ये 350 होगा, फिर वाले क्वेश्चन के ऊपर चल जाएंगे हम लोग। चले गए थे, फटाफट फटाफट करिए आप लोग, लास्ट 11 मिनट्स ये क्वेश्चंस करने के लिए। हाँ बच्चा, कॉम्बिनेशंस में भी कुछ रहता है क्या कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r? हाँ बेटा, एट्थ वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, 9 कोर्सेज अवेलेबल एंड 2 कोर्सेज कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। कोई 2 कोर्सेज कंपलसरी है उसके, तो 7 में से 3 चूज करना पड़ जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। देखते को दिया हुआ है मैथ साइंस सोशल इंग्लिश और संस्कृत है, और उसके सिवाय मैथ साइंस सोशल इंग्लिश तुम्हारे 4 कंपलसरी होते हैं, फिर तुम्हारे को और 10 उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो देखा जाए तुम्हारे पास 14 ऑप्शंस है, 5 चूज करना है बट 4 कंपलसरी है,
जो कंपलसरी तो चूज पहले कर चुके हो तुम, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो बचे ऑप्शनल है उसमें चूज करो। लास्ट 7 मिनट्स गाइस। समझा नहीं मैं। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल था उसके अंदर। नहीं, उसे अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं तुझे, परम्यूटेशन करना है बेसिकली तुझे, क्योंकि उसमें सीक्वेंस डिफर करता है, समझो तुझे। क्वेश्चन एट का फर्स्ट वाला देखो गाइस, एक बार क्वेश्चन एट का फर्स्ट वाले में क्वेरी रेज हुई है, तो एक बार के लिए वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। या चलो ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, पूरा अटेम्प्ट कर लो 5 मिनट, फिर उसके बाद अपन सबके साथ एक बार कर लेंगे सॉल्व। उनका हो गया, एक बार अपने आंसर्स चेक कर लेना। कर लिए तो बढ़िया, पूरे हो गए, सब सही है। पढ़ रहा है ना अभी 12th में, 10th में भी था अपने पास में, उसने अभी SAT दिया है, SAT स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, 12th के बाद वो US जाने वाले, इसकी वही दिया उसने भी। हाँ, इन्हें पैसा है तो जाओ।
था, विलियम्स का तो नहीं आया था, सरीना विलियम्स का तो नहीं आया था, भगवान की कसम, सरीना ना नहीं। गाइस लास्ट 2 मिनट्स, अच्छी बात है तूने क्या आंसर दिया वो बता। नहीं पर तूने आंसर नहीं, तूने कॉन्स्टिट्यूशन देते जाता है उसका क्या आंसर दिया? हाँ मेरे को लग गई था। लास्ट 1 मिनट गाइस, बत्रा तेरे पे स्टॉक कर रहा है भाई क्रिश। तेरी डीपी बहुत ही बढ़िया है बोल रहा है भाई, तू देख थोड़ा हिडन मिडन रख। कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं। चलिए गाइस अब आंसर देखते हैं इनके। हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स? 8C4। हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 9 स्टैम्प्स कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट स्टैम्प्स? 11C9, जो कि बाद में 11C2 बन जाएगा, जो भी आएगा वो आंसर। ठीक है, अ बेसबॉल टीम हैज 13 मेंबर्स, हाउ मेनी लाइनअप्स ऑन 9 मेंबर्स आर पॉसिबल? देखो लाइनअप्स का पहले मैं जैसे बता रहा हूँ, बैटिंग ऑर्डर नहीं हो रहा है उनका बेसबॉल के अंदर का, ठीक है ना, लाइनअप मतलब टीम की बात हो रही है उसमें। ठीक है, तो वो जाएगा 13C9। क्या भाई, द पोजिशन ऑफ ईच मेंबर इन द लाइनअप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, चलो उसने आगे दिया हुआ है, ग्रेट। आगे दिया 12 मेंबर्स मीट इन अ रूम एंड ईच हैंडशेक, बाप रे, 12C2। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन चूज 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 कोर्स आर कंपल्सरी? अब बच्चे इसका तो समझ लो, तुम्हारे 9 थे, तुमको 5 चूज करना था, पर 2 तो कंपलसरी है, तो तुमको 2 चूज करने का मौका थोड़ी दिया है उसने, 2 तो तुमको लेके जाने ही है घर पे अपने साथ में, तो बचे कितने, 7 ही बचे। अब इसमें से आपको 3 चूज करना है, 7C3। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज कैन बी चोजन फ्रॉम 7 गर्ल्स एंड 5 बॉयज? अब देखो गाइस ये क्वेश्चन बड़े हो जाता है, आप लोगों को 3 लड़कियां चूज करनी है 7 लड़कियों में से, तो वो कितना हो जाएगा, चलो अपना 7C3 हो जाएगा। फिर बोला है 2 बंदे चूज करना है 5 बंदों से, 5C2। समझे चीज क्या हुआ है, देख तेरे पास में थी 7 गर्ल्स, उसने तेरे को 3 गर्ल्स चूज करनी थी, ठीक है, फिर तेरे पास में थे 5 बॉयज, उसने तुझे 2 बॉयज चूज करना थे, समझाए, एंड दिस एंड दिस। नेक्स्ट गाइज, अ बैग कंटेन्स 5 black 6 red, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 black and 3 red balls कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ लॉट अज्यूमिंग दैट द बॉल्स आर सेम कलर्स एंड डिस्टिंग्विशेबल। तो यहाँ से मुझे कितने चूज करने के हैं, इसका अ बैग कंटेन्स 5, ये हाँ, अब वो 5 में से कोई भी 2 बॉल चूज होने चाहिए मेरे पास में, तो 5C2 हो जाएगा, और उसके अंदर में क्या हो जाएगा, 6C3 हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बुक शेल्फ कंटेन 7 different mathematics books एंड 5 different physics books, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 3 mathematics 3 books कैन बी सिलेक्टेड? 7C3 5C3। ठीक है, नेक्स्ट, वॉट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 red cards फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड? अब सुनो सुनो, मेरे हिसाब से आंसर 26C2 होना चाहिए। बेटा आप लोगों के पास में 52 कार्ड्स होंगे, पर उसमें तो 26 ही रेड कार्ड्स है ना, तो 26C2 है, ये ताश की बात कर रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 3 picture cards? पिक्चर कार्ड्स मतलब फेस कार्ड्स होता था, फेस कार्ड्स, ठीक है ना, फेस कार्ड्स होते हैं 12, तो आंसर कर देगा 12C3। समझ रहे भाई लोग ये चीज़ें क्या हुई है?
अब गाइस इसके बाद में जो पिछली एक एक्सरसाइज का कोई तो भी एक एक्स वाई जेड क्वेश्चन बचा हुआ था, कौन सा क्वेश्चन था बचा हुआ 7.3 का? क्वेश्चन 8, अ मैन हैज सिक्स फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर फ्रेंड्स? तो देखो अभी एक को भी इनवाइट नहीं करना अलग बात है, ठीक है ना? क्या बच्चा? एट क्वेश्चन। अब देखो ये कहीं से अच्छा क्वेश्चन हो रहा है, बंदे के पास में छह दोस्त है, उसको एक या एक से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना है, तो अगर वो एक ही को इनवाइट करता है तो क्या जाएगा 6C1, बट अगर दो लोगों को करता है 6C2, तीन को करता है तो, चार को करता है तो, पाँच को, छः को 6C6। इधर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, जिसका मतलब क्या जाएगा 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 6C5 6C6। अब गाइस इफ यू आस्क मी सर PQ नहीं यार, मेरे को दो लोगों को इनवाइट करना था, मैं क्रिश एंड स्पर्श को करूं या स्पर्श एंड क्रिश को करूं? सीक्वेंस इज नॉट मैटरिंग, एवरी टाइम सीक्वेंस डज नॉट मैटर, यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन। समझा भाई लोग क्या हुआ ये? तो गाइस ओवर हियर वी रैप अप अ सिंपल चैप्टर। ये चैप्टर का सिर्फ बोरिंग पार्ट वो वाला रहता है जहाँ पे NP4:NP2 इसी को डामना झामना काम, ये वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो वाले क्वेश्चंस थोड़ी मेहनत लगती है, बोर भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? ये अगर रिवाइज करना है कुछ नहीं, एक्सरसाइज आप लोग ओरली मेजरली कर सकते हो इसी जो क्वेश्चंस, ठीक है? और उसके बाद में कैलकुलेशंस वगैरह देख के करना बेटा, उसको बहुत कैजुअली मत ले लेना, ठीक है? अपन लोग कल का टाइमिंग बच्चा अपन लोग 11 से 12 का रहेगा, BVM को भी छुट्टी है कल, सेंटर पॉइंट को पैसे बताई गई थी, 11-12 रहेगा, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले अपन लोग, फेयर इनफ है? चलिए बाय गाइस।